तहसील डोईवाला जिला देहरादून में तहसील प्रशासन द्वारा वाद कार्यो और आम जनता के लिए लगाया गया वाटर कूलर भीषण गर्मी के बढ़ते ही ताला लगाकर बंद कर दिया जाता है। कई बार शिकायत करने के बाद भी प्रशासन के द्वारा लगातार अनदेखी की जा रही है। 8 जून 2023 को तहसील डोईवाला में आए लोगों को बिना पानी के ही भीषण गर्मी में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि एक तो इतनी बढ़ती गर्मी और दूसरी ओर डोईवाला तहसील में वाटर कूलर सिर्फ तहसील कर्मचारियों के लिए ही है। आम जनता को जो कि तहसील में अपने अनेकों कार्य के लिए आते हैं, उन्हें वाटर कूलर का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। बिलबिलाती गर्मी से लोग जब भी पानी के लिए जाते हैं तो सिर्फ ताला ही नजर आता है। लोगों का बड़ा सवाल है कि आखिर वाटर कूलर का लाभ आम जनता को क्यों नहीं मिल रहा। नव भारत समाचार डोईवाला उत्तराखंड से आरती वर्मा की रिपोर्ट। वाटर कूलर तो एक खुला रहना चाहिए जिससे आने जाने वाले व्यक्ति और तहसील में आने वाले अधिकारी और वक्ता भी है हमारे बहुत से, और जो आते हैं तो बच्चों भी साफ कर कहीं आते ग्राम प्रधान और क्षेत्र के समस्त क्षेत्र लोग आते हैं, उनको खुला मिलना चाहिए पानी। वाटर कूलर की तो बहुत आवश्यकता है, 2-3 महीने में तो बहुत जरूरी आवश्यकता है। इसमें ताला नहीं लगा रखना चाहिए, ये खुला रहना चाहिए। ये इसके लिए मैं कहूँगा हमेशा खुला रहना चाहिए जिससे कि पानी लें और अपनी बोतल भरें और अपने पानी लें चले जाएंगे, इसीलिए व्यवस्था बनी जाती है। धन्यवाद। प्रकोप जो है देहरादून जैसे पहाड़ी ज़िले में भी देखा जा रहा है, और देहरादून जैसे ज़िले में दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जा रही है, और इसके लिए सरकार के द्वारा कई स्थानों पर पेयजल नल वगैरह लगाए गए हैं, और हमारे डोईवाला तहसील में भी जो है बात कार्यों के लिए आम जनता के लिए जो है एक वाटर कूलर लगाया गया। लेकिन अमूमन देखा गया कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो है उस वाटर कूलर में एक तो पानी नहीं मिलता और उस पर अक्सर जो है ताला लगा हुआ। ताला लगा होने की वजह से तहसील परिसर के अंदर आने वाले कई सारे लोगों को, वादकारियों को, अधिवक्ताओं को और स्वयं तहसील परिसर में काम करने वाले सरकारी व्यक्तियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा, और ये जो समस्या है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ताला किन लोगों द्वारा लगाया जा रहा है? जाहिर सी बात है तहसील परिसर के अंदर ये वाटर कूलर लगा हुआ है तो इस पर दरवाज़ा और ताला तहसील प्रशासन के किसी न किसी कर्मचारी के द्वारा लगाया जा रहा होगा, और जाहिर सी बात है जिससे समस्या जो है सभी की लगती, चाहे वो वादकारी हो, चाहे वो तहसील में आने वाले किसी भी बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति के लिए हो, या फिर यहाँ पे कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए हो, या फिर अधिवक्ता जो यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट हैं, एच एम कोर्ट हैं, कलेक्ट्रेट कोर्ट हैं, काम करने वाले अधिवक्ता, समस्या सबके लिए बराबर।